दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में सर्दी खांसी बुखार से संदिग्ध कोरोना मरीज 23 लोगों का हुआ आरटीपीसीआर टेस्ट। दरभंगा के लैब टेक्नीशियन अकील अहमद ने आज बताया कि आज 23 लोग ऐसे थे जिन्हें गंभीर सर्दी खांसी बुखार थी, उन लोगों के आरटीपीसीआर टेस्ट कर माइक्रोबायोलॉजी लैब में भेजा गया है। गौरतलब है कि अब सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित अधिक लोगों की संख्या को देखते हुए आरटीपीसीआर का रेंज बढ़ाया गया है। आज डीएमसीएच आइसोलेशन वार्ड में कुल 23 कोरोना संदिग्ध मरीजों का आरटीपीसीआर जांच के लिए सैंपल लिए, जिनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें सर्दी खांसी बुखार था और कुछ ऐसे भी थे जो फ्लू कॉर्नर पर एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे। सभी लोगों का आरटीपीसीआर जांच के लिए सैंपल लिए और सभी सैंपल को अभी दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जाँच के लिए ले जा रहे हैं। दरभंगा जिला परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के बाद सामने आए जदयू के वरीय नेता अली अशरफ फातमी। दरभंगा में जिला परिषद अध्यक्ष पद हार जाने के बाद मोहम्मद अली अशरफ फातमी आज सामने आए। मीडिया के सामने उन्होंने कहा ये कोई साजिश है। उन्होंने कहा कि जरा सोचिए, उपाध्यक्ष में मात्र उनको 13 मत मिले हैं और अध्यक्ष में 1 मत से जीते हैं, ये निश्चित साजिश है। एक जगह 18 वोट से हमारे उपाध्यक्ष के उम्मीदवार जीतती हैं और दूसरे 1 वोट से हार जाती हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, काउंटर क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ये सवाल तो उन लोगों से करिए कि उनको 22 वोट अध्यक्ष के चुनाव में मिलता है और 13 वोट उनको उपाध्यक्ष के उम्मीदवार को मिलता है, ये 9 वोट कहां चला गया उनका। डीएमसीएच के इमरजेंसी में 43 लोगों का इलाज से पहले हुआ एंटीजन टेस्ट, सभी पाए गए निगेटिव। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में जो भी गंभीर मरीज इलाज के लिए आते हैं उनका पहले एंटीजन टेस्ट किया जाता है, इसके बाद ही डॉक्टर उनका इलाज कर पाते हैं। ऐसे में 43 गंभीर मरीज भर्ती हुए जिनका एंटीजन टेस्ट किया गया, एंटीजन टेस्ट में सभी निगेटिव पाए गए हैं। डीएमसीएच के आउटडोर में सर्दी खांसी से पीड़ित अधिकतर लोग पहुंचे, कुल 2022 लोगों का हुआ रजिस्ट्रेशन। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर में आज काफी संख्या में लोग उमड़े थे। कहा जाता है कि सोमवार को वैसे भी भीड़ अधिक होती है, इसे लेकर के आज कुल 2022 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया गया है। हालांकि यहां पर कई लोग ऐसे थे जो बिना मास्क के नजर आ रहे थे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच बिना मास्क के यहां लोगों को देखा जा रहा है। दरभंगा एसएसपी और सिटी एसपी के तबादले के बाद बरामद शराब कांड में आरोपी अभी तक हैं फरार। दरभंगा डीएमसीएच के बॉयज हॉस्टल के मेस में बरामद 91 कार्टून शराब का मामला अब अधर में लटकता नजर आ रहा है, क्योंकि दरभंगा के एसएसपी और सीटीएसपी जो पूरे प्रकरण में रडार पर रखे हुए ऐसे डॉक्टर एवं शराब माफियाओं की लिस्ट था, उस लिस्ट को प्रभावित होने की आशंका लोगों के द्वारा जताई गई है, क्योंकि दोनों का तबादला हो चुका है। राज कैंपस स्थित कोरोना टीका केंद्र पर उम्र किशोरों की भीड़। राज कैंपस में पीएससी की ओर से लगाए गए कोरोना टीका केंद्र पर वैक्सीनेशन के लिए किशोरों की भीड़ उमड़ी। केंद्र पर कल लगभग 150 किशोरों ने टीकाकरण करवाया था, वहीं आज 2:30 बजे तक लगभग 100 ने टीका ले लिया था। यहां वैक्सीनेशन 9:30 से 5:30 बजे तक होता है। ज्ञात हो कि 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के किशोरों को वैक्सीन लगाया जाएगा। 15+ यहाँ 150+ गया है, ठीक है, डेटा 15+ का आज 100+ जा रहा है, अभी फिर आगे देखिए क्या होता है। 100+ हो गया है अभी जी, 15+ का 9:30 से 5:30 तक जी सर। जी जी, कल 3 तारीख से हो रही है, 3 जनवरी से। बहुत अच्छा, हमको सुई लेने में बड़ा मजा आता है। वैसे भी कौन सा मैं को ठीक लग रहा है, बट थोड़ा सा पेन हो रहा है, बट अब ज़्यादा तो नहीं है, बट ठीक हो जाएगा। पंद्रह और आधा घंटा मिनट के लिए थोड़ा सा फील है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं।
मैडोना, ज्ञान भारती, होली क्रॉस सहित क्षेत्र के अन्य स्कूलों का कक्षा 8 तक का वर्ग संचालन 9 जनवरी तक स्थगित। शनिवार से ही शीतलहर का प्रकोप जारी है। इसको देखते हुए जिलाधिकारी के आदेशानुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी ने क्षेत्र के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को पहली से आठवीं कक्षा तक का वर्ग संचालन 9 जनवरी तक स्थगित रखने का निर्देश जारी किया है। इसके तहत क्षेत्र के होली मिशन, उडवाइन, मैडोना, ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, होली क्रॉस व अन्य स्कूलों को बंद रखा जाएगा। टीका केंद्र पर बिना मास्क के दिखे लोग जवाब देने से कतराते रहे। राज्य के पास स्थित कोरोना टीका केंद्र पर वैक्सीनेशन के लिए आए कई लोगों ने मास्क नहीं लगा रखे थे। पूछने पर कोई कहता है बैग में है तो कोई कैमरे के आगे से चला जाता है। कैमरा को देखते ही जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था सभी ने मास्क लगा लिया। वहीं मीडिया को देखते ही कर्मचारी भी बिना मास्क वाले को प्रवेश वर्जित कर दिया। मास्क नहीं लगाए हुए हैं आप लोग? मास्क नहीं, बस मैं आप मास्क नहीं लगा बैग में। लो विजिबिलिटी के कारण कई उड़ानें रद्द, कुछ को कोलकाता किया डाइवर्ट। घना कोहरा और लो विजिबिलिटी के कारण दरभंगा एयरपोर्ट से विभिन्न शहरों के लिए विमान सेवा अस्त व्यस्त हो गई। कुछ फ्लाइटों को कोलकाता डाइवर्ट कर दिया गया। खराब मौसम के कारण कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया। ज्ञात हो कि रोजाना दरभंगा से 8 उड़ानें का आगमन और इतनी ही फ्लाइटों का प्रस्थान करती है। रेलवे स्टेशन स्थित कोरोना जांच केंद्र पर कर्मचारियों ने प्रशासन से सहयोग की अपील की। रेलवे स्टेशन पर स्थित कोरोना जांच केंद्र पर कर्मचारियों ने प्रशासन से सहयोग की अपील की। उनका कहना है कि यात्री की जांच नहीं कराने के लिए जिद पर अड़े रहते हैं। काफ़ी समझाने के बाद भी वे जांच के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस कारण उन्हें जाँच करने में काफ़ी कठिनाई सामने आती है। उन्होंने बताया कि अभी एक ही काउंटर चल रहा है, कोरोना का केस बढ़ रहा है, इस कारण आगे काउंटर बढ़ा दे। दोपहर के शिफ्ट में एंटीजन 71 और आरटीपीसीआर टेस्ट 19 हुआ है। और शुरुआत से ही 8 काउंटर चल रहे थे, लेकिन केसेस कम होने हो जाने के कारण अभी एक ही काउंटर चल रहा है। फिर से केसेस नया वेरिएंट आने ओमिक्रॉन आया है, जब से तब से अब हो सकता है कि काउंटर बढ़े, लेकिन अभी ये एक काउंटर 24/7 चलता है। तो फिर इसमें हमारे सहयोगी हैं अभी श्वेता एलटी हैं और ये हैं अजीत जी हैं, वो हैं एलटी हैं। और फिर अभी हाँ, तो अभी तक हमारे पास जो एंटीजन टेस्ट हुआ है वो एंटीजन टेस्ट लगभग 71 हुआ है, और 19 जो हुआ है आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ है आज सुबह से। जो पब्लिक यहाँ आती है, जो भी ट्रेन है, अनाउंसमेंट के बावजूद जो है सो वो इतने रिजिड हो जाते हैं, वो लोग करवाना नहीं चाहते हैं, बुला बुला के करवाना पड़ता है। थोड़ा सा प्रशासन का भी सपोर्ट मिल जाता तो अच्छा रहता, बेहतर रहता। मोस्टली हम लोग उनको टारगेट करते हैं जो मास्क नहीं पहने रहते हैं, जो एडोलेसेंट ग्रुप के एज ग्रुप के हैं, उनको ज़्यादातर पकड़ते हैं, ठीक है। तो उनसे अपना टारगेट अचीव करते हैं। हम लोगों को टारगेट फिक्स है, 200 करना है पर डे रैपिड एंटीजन टेस्ट का, तो उतना करना ही करना है।